हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल किचन खाना और स्वाद आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़े का स्टू बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बहुत ही झटपट से ये बन जाएगी और जो एक्चुअल तरीका होता है ना जैसे शादियों वगैरह में स्टू बनाया जाता है बिल्कुल उस तरीके से हम इसे बनाएंगे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आए तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम बड़े का गोश्त लिया है जिसे मैंने अच्छे से धुल कर साफ़ करके रख लिया है अब लेंगे एक प्रेशर कुकर क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में कुक करने वाले हैं टाइम भी बच जाएगा इससे और अगर आप पतीली में बनाना चाहेंगे तो टाइम जो कुकिंग टाइम होती है गोश्त के गलने की वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसे तो गैस की फ्लेम को हाई करके हम इसमें डालेंगे आधा कप तेल उसके बाद डालेंगे दो तेज़पत्ता तीन से चार लौंग है एक आधी है दावित्री का फूल और एक दालचीनी का टुकड़ा दस से बारह काली मिर्चें और दो छोटी इलायची एक बड़ी इलायची और एक टी जीरा ये सारी चीज़ें हमें तेल में डाल देनी है और एक मिनट के लिए इसे हमें लो फ्लेम पर मस, साबुत मसालों को ऑयल में फ्राई करना है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मसाले हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे प्याज तो यहाँ पे मैंने तीन मीडियम साइज के प्याज़ लिए थे जिसे मैंने इस तरह रफले शॉप कर लिया है आप चाहे जैसे भी काटें एक बात आपको बता दूँ फ्रेंड जो स्टू बनता है ज़्यादातर लोग इसमें प्याज कच्चा ही ऐसे ही डाल देते हैं फ्राई नहीं करते पर ऐसा आप मत कीजिएगा प्याज को जब आप हल्का सा फ्राई करके डालोगे इसमें गोश इसे बनाओगे स्टू इस को ना तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है जो शादियों वाला स्टू बनता है ना बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पर साबुत धनिया दिखाया जो एक टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही था तो वो धनिया को हमें क्रश करना है मतलब दो टुकड़ों में काट लेना है आप चाहें तो कूट सकते हैं या फिर मिक्सी में थोड़ा थोड़ा चला करके आप देखोगे ना डा वो कर दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा मतलब कुल मिला के ये है कि हमें दर दरा सा धनिया को पीस लेना है इसलिए दिखाया था तो प्याज हमारा लगभग फ्राई हो चुका था सेलो फ्राई ही करना था सॉफ्ट करना था ऐसा नहीं है कि गोल्डन ब्राउन करना था बस उसका टेस्ट कच्चा पन ना रहे उसका टेस्ट बदल जाए तब तक हमें प्याज को फ्राई करना था उसके बाद हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे और 25 से 30 सेकंड के लिए गोश्त को अच्छे से भूनेंगे ऑयल में उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो टी कुटी हुई अदरक दो टी डालेंगे लहसन इसे भी बारीक काट लिया या फिर यूँ कहिए सा मैंने कूट लिया है तो इन्हें हमें डालकर मिक्स करते हुए इस तरह चला लेना है अब इसके बाद जो हमने अभी धनिया लिया था ना वो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़्यादा ये पिस गया तो कोई नहीं वैसे तो धनिया डालना है ब्रेक करके डालें ज़्यादा बेटर होता है मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया तो ये थोड़ा सा इसमें साबुत भी है और थोड़ा सा पिस चुका है तो एक बात आपको बता दूं कि जो देग वाले हैं ना वो ये येलो चिली पाउडर का इस्तेमाल करते हैं मेरे पास वो नहीं था तो मैं यहाँ पर बिल्कुल चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ एक टी डाल रही हूँ कलर के लिए थोड़ा सा कि कलर अच्छा आएगा इसलिए डाल दिया एक टीस्पून डाल दे रही हूँ इसमें नमक और तीन से चार हरी मिर्चें और तीन से चार ही डाल रहे हैं यहाँ पर लाल साबुत मिर्चे जिसे मैंने बीज से सिर्फ काट लिया है बड़ा बड़ा आपने देखा मैंने काटा हुआ है तो ये चीज़ें हमें डाल देनी है अब हमें इसमें अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी ऐड नहीं करना है तीखापन वग़ैरह सब इससे एडजस्ट हो जाएगा तो अब हम इस अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी ऐड नहीं करेंगे ऑलरेडी जो गोश्त हमारा पानी रिलीज़ करेगा उसी से ही कुक हो जाएगा जब प्रेशर लगा देंगे हाई फ्लेम पर एक प्रेशर और बीस मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे मैं आपको सीटियाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि कभी कभी किसी के प्रेशर कुकर में सीटी जल्दी लगती है और किसी के प्रेशर कुकर में बाद में तो जब नेचुरली प्रेशर इसका रिलीज़ हो जाएगा हम गैस की फ़्लेम को बंद कर देंगे तब हम खोल लेंगे इसे आपको मैं चेक करके दिखा दूँ गोश्त देखिए बिल्कुल परफेक्टली गला हुआ है हमें आप जितना भी गला हुआ गोश्त खाते हैं उस हिसाब से आप अपना कुकिंग टाइम रख लीजिएगा तो अब हम वापस से गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें अब हम डालेंगे दही तो ये हाफ़ कप दही है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है दही को कभी भी बिना फेंटे ना डाले वरना ये जो दही है वो मिक्स नहीं होता उसमें दाने दाने दिखते रहते हैं जो बहुत ही बेकार सा लगता है और टेस्ट भी मज़ेदार नहीं आता तो दही डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया था एक मिनट के लिए भुना था उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिया है दो मीडियम साइज़ के टमाटर है इसलिए मैंने इसे छोटा छोटा इसलिए काटा था ताकि अच्छे से कुक हो जाए जल्दी से तो ये देखें टमाटर वगैरह सब अच्छे से मैंने मैंने लगभग दो से तीन मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर भूना था जिससे कि अच्छे से सारी चीज़ें कुक हो गई हैं टमाटर वगैरह सब मिक्स हो चुका है और दही भी मिक्स हो चुकी थी तो लास्ट में इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा डाल देंगे एक चौथाई टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऊपर से बुर, बुरक देंगे और हरा धनिया डाल के मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि हरे धनिए की और गरम मसाले की खुशबू बरकरार रहे तो ये देखिए हमारा बड़े का स्टू मज़ेदार सा शानदार सा बनकर तैयार है आपको रेसिपी कैसी लगी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेलाइकन भी दबाइएगा जिससे आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें तो फ्रेंड्स अच्छा खाएँ हेल्दी खाएँ अपना ख्याल रखें और हमें कमेंट्स में भी याद रखें ऐसो तो ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करना ना भूलें